हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, हम लाते हैं डिफेंस के बारे में कुछ नई जानकारी। सो हमारे चैनल पे शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिए। तो फ्रेंड्स, आज बात करने वाले हैं फाइटर जेट HAL मारुत के बारे में। यानी फ्रेंड्स, भारत की जो इंडिजीनियस तरीके से बनाया गया सबसे फास्ट फाइटर जेट की बात आती है तो आपके मन में आता होगा तेजस। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि अगर आप बॉर्डर मूवी देखे हैं तो उसमें एक फाइटर जेट को दिखाया गया है जिसे हंटर के नाम से दिखाया गया है, और जिससे और इसके द्वारा जेके श्रॉफ उड़ान भरे थे और पाकिस्तान ने टैंकर्स के ऊपर ताबड़तोड़ हमला किए थे, और उसके बाद पाकिस्तान ने आर्म फोर्सेस को पीछे भागना पड़ा था। टैंकर्स तबाह हो गए थे पाकिस्तान की, लुंगियाला फोर्स को भारत ने बचा लिया था। तो बात यहाँ पे ये है फ्रेंड्स कि HAL मारुत ये भारत की सबसे पहली जो इंडिजीनियस फाइटर जेट है वही है, और इसकी जो ऑफिशियल नेम है ये है HAL HF-24 मारुत। और फ्रेंड्स, ये जो इसकी जो डिज़ाइन है ये HAL के द्वारा बनाया गया है, यानी हिंदुस्तानी एरोनॉटिकल लिमिटेड, और ये डिज़ाइन को लीड किए थे एक जर्मन इंजीनियर जिनके नाम है कुर्ट टैंक। 1960 में ये फाइटर जेट को बनाया गया था, तो पहली उड़ान 1961 में हुआ था, और 1967 में इसे भारतीय सेना को यानी भारतीय एयरफोर्स को सौंप दिया गया था, डिलीवर किया गया था, और 1990 में इसे रिटायर भी कर दिया गया। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक और बात बता दूँ कि ये फाइटर जेट की जो स्पीड है ये 1 मैक से ज़्यादा की नहीं रखी गई थी, क्योंकि इसकी जो इंजन है, इंजन का हिसाब से इसकी जो स्पीड होने वाली थी वो 1 मैक, यानी 1 मैक से ज़्यादा होना ही नहीं था। और फ्रेंड्स, इसकी एक और भी नाम है ये HAL HF-24 मारुत की, इसे कहा जाता है स्पिरिट ऑफ टेम्पेस्ट, यानी तूफान का आत्मा। तो फ्रेंड्स, आप लोग इसमें से अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये फाइटर जेट उस हिसाब से कितना कारगर होगा उस समय के लिए। और फ्रेंड्स, यहाँ पे एक और मज़ेदार बात है कि एशिया में रसिया के बाद ये सबसे पहली फाइटर जेट थी, यानी जेट फाइटर जो कि बॉम्बर एयरक्राफ्ट के हिसाब से बनाया गया था। सो फ्रेंड्स, HAL मारुत का इस्तेमाल किया था लुंगियाला फोर्स को बचाने के लिए, यानी 1971 में इसकी इस्तेमाल किया गया था इंडो पाक की वार में। लेकिन फ्रेंड्स, बात यहाँ पर यह है कि इसे 80 के दशक में यानी 1980 में इसे रिटायर कर दिया गया था। यह है HAL मारुत के बारे में एक छोटी सी जानकारी। अभी काफ़ी सारी जानकारी मैं नहीं दिया हूँ, तो मैं अगली वीडियो में यानी उसके बाद काफ़ी सारी वीडियोस आने वाली है अभी, जिसमें मैं डीपली सारी चीज़ की जानकारी दे दूंगा। तो फ्रेंड्स, अभी और भी वीडियोस आने वाली है, जो कि अभी प्रेजेंट में HAL तेजस जो कि इंडिजीनियस तरीके से बनाया गया है इंडिया के द्वारा, और पास्ट में जो था HAL मारुत, ये दोनों में कितना अंतर है और उसका जो मैक्सिमम टेकअप कैपेसिटी है वो कितना है और HAL तेजस की मैक्सिमम टेकअप कैपेसिटी कितना है, ये सारी चीज़ हम लोग कंपेयर करेंगे अपने समय के हिसाब से। HAL मारुत कितना ताकतवर था और अभी के समय में HAL तेजस कितना ताकतवर है, वो सारी चीज़ें अभी कंपेयर करेंगे। काफ़ी सारी वीडियोस आने वाली है, तो फ्रेंड्स बने रहिए वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हो तो अगली वीडियो में जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और रहता हूँ फिलहाल के लिए, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।